मुकेश खन्ना अक्सर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपना राय रखते हैं, लेकिन देश में चल रहे किसान बिल के मुद्दे पर मुकेश खन्ना बेहद कम बोले। ऐसे में मुकेश खन्ना के फैंस ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर वह इस मुद्दे पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मुकेश खन्ना ने अब जाकर इस मामले में अपनी राय रखी है। मुकेश खन्ना ने बताया कि कई लोग उन्हें बीजेपी का आदमी भी कह रहे हैं, जिसको लेकर शक्तिमान एक्टर ने अपने वीडियो के जरिए कहा, लोग मुझसे इन दिनों पूछ रहे हैं कि किसान आंदोलन के बारे में आप क्यों नहीं बोलते, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, तो मैं बता दूं कि मैं किसानों के पक्ष में आज से नहीं हूं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से मैं किसानों के पक्ष में रहा हूं। जिस तरह से देश की सरकार बनी उस पे मैं सबसे बड़ी गलती निकालता हूं, नेहरू जी द्वारा अर्बनाइजेशन को ज़्यादा महत्व देने की। मुकेश खन्ना ने कहा, हमारे देश में 75% विलेज हैं। अगर हमारे गांव को समृद्ध करने की बात होती तो सोचिए आज गांव डेवलप्ड होते, शहर तो धीरे धीरे डेवलप होते। वो पॉलिसी रॉन्ग थी। पहले आप ध्यान दीजिए किसानों के हित की। किसान हमें खाना देते हैं, लेकिन जब बताया जाता है कि जो हमारे किसान हमारे लिए इतना करते हैं उनके घर में खुद को खाने का नहीं होता तो हैरानी होती है। मुकेश खन्ना ने आगे कहा, किसानों को खुशहाल करना था पहले। जो किसानों के मूवमेंट में जिन नेताओं ने वोट बटोरे हैं उन्हें कभी भी किसानों के हित में काम नहीं किया है। अगर किया होता तो बिहार से लोग मुंबई जैसे महानगर में नौकरी करने के लिए नहीं आते। मुकेश खन्ना बोले, 70 सालों में वही चल रहा है। एक बात कहना चाहता हूँ कि राजा वही सही चलता है जब प्रजा सुखी होती है। लोग कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा बनती है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।